हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 के हिंदी के पार्ट 15 को। इस पार्ट का नाम है बच्चों मिट्ठू। तो इस वीडियो में हम इस पार्ट को अच्छे से समझेंगे, फिर इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर व अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों समझ लेते हैं इस पार्ट को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है, इस पार्ट से हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो मित्रता की भावना, यानी एक दोस्त दूसरे दोस्त की किस तरीके से मदद करता है, ये चीज़ हम इस पार्ट में देखेंगे। पशु पक्षियों के प्रति प्रेम और संवेदना, मतलब उनके प्रति हमारी जो प्यार है और संवेदना है, मतलब जो भावनात्मक रूप से हम उनसे जुड़ जाते हैं, ये चीज़ हम इस चैप्टर में देखेंगे। मनोरंजन के पुराने साधनों से परिचय, यानी जैसे कि मनोरंजन के साधन में अभी मोबाइल, टीवी इत्यादि चीज़ें हैं, लेकिन पहले के समय में लोग मनोरंजन किस चीज़ों से करते थे, कैसे करते थे, उन चीज़ों से हम परिचित होंगे। अगला है क्रिया का ज्ञान, वचन और वाक्य रचना की समझ। तो ये सारी ग्रामर वाली चीज़ें भी इस पार्ट से हम सीखेंगे। तो देख लेते हैं बच्चों इस पार्ट में क्या दिया है। बंदरों के तमाशे तो तुमने बहुत देखे होंगे, मदारी के इशारों पर बंदर कैसी कैसी नकल करता है, उसकी शरारतें भी तुमने देखी होंगी, तुमने उसे घरों से कपड़े उठाकर भागते देखा होगा। पर आज हम तुम्हें एक ऐसा हाल सुनाते हैं जिससे मालूम होगा कि बंदर लड़कों से भी दोस्ती कर सकता है। तो यहाँ पे दिया है बच्चों के जो बंदर होते हैं, उनके पहले के जमाने में क्या है, जो मदारी आते थे बंदरों को लेके आते थे, उनसे खेल दिखवाते थे, यानी तमाशे दिखाते थे। काफी पुराने समय की बात है बच्चों, ये आपने शायद ही ये देखा हो बंदरों का तमाशा, ठीक। और जो बंदर होते हैं वो बहुत ज्यादा शरारती होते हैं, कभी किसी के छत पे से कपड़े ले जाते हैं, कभी किसी का खाना छीन कर ले जाते हैं, इस तरीके की वो शरारतें करते रहते हैं। लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि बंदर की किसी लड़के से भी दोस्ती हुई हो, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि एक बंदर और एक लड़के की दोस्ती कितनी गहरी थी और एक दूसरे की वो कितनी मदद करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया है, कुछ दिन हुए लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई थी। तो जो सर्कस कंपनी है बच्चों कहाँ पे आती है, लखनऊ में। तो सर्कस कंपनी बच्चों जो पहले के ज़माने में एक मनोरंजन का साधन हुआ करता था, इसमें बहुत सारे करतब दिखाने वाले लोग आते थे, वो अपने साथ पशु पक्षियों को भी लेके आते थे, ठीक है। तो खुद तो वो करतब दिखाते ही थे और जो पशु पक्षी उनके साथ आते थे उन्हें भी उनसे भी वो करतब करवाते थे, जैसे शेर, हाथी, तोते, कबूतर, बंदर, भालू, ये सारी चीजें लेके आते थे, इनसे भी वो करतब दिखाते थे और मनोरंजन करवाते थे लोगों का। उसके पास शेर, भालू, चीता, कई तरह के और भी जानवर थे। इनके साथ एक बंदर मिट्ठू भी था। तो उनके पास एक बंदर था जिसका नाम मिट्ठू था, ठीक है। बंदर का नाम क्या था बच्चों? मिट्ठू। लड़कों के झुंड रोज इन जानवरों को देखने आया करते थे। बहुत सारे लड़के एक साथ उन जानवरों को देखने आते थे, क्योंकि जो लड़के थे उन्हें वो जानवर बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे, वो रोज के रोज आते थे, उन जानवरों से मिलते थे। मिट्ठू ही उन्हें सबसे अच्छा लगता था, उन जानवरों सभी जानवरों में जो मिट्ठू नाम का बंदर था सबसे ज्यादा प्रिय उन लड़कों को मिट्ठू था। उन्हीं लड़कों में गोपाल भी एक लड़का था, वह रोज आता और मिट्ठू के पास घंटों चुपचाप बैठा रहता था। उससे शेर, भालू, चीते आदि से कोई प्रेम न था, वह मिट्ठू के लिए घर से चने, मटर अकेले लाता और खिलाता। तो गोपाल नाम का जो बच्चा था उसकी दोस्ती शायद मिट्ठू से हो गई थी, उसे वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता था मिट्ठू बंदर। और भी जानवर थे लेकिन वो और जानवरों के पास नहीं जाता था, वो मिट्ठू के पास ही जाता था और वो घर से कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज उस बंदर के लिए लेके आता था। मिट्ठू भी उससे इतना हिल गया था कि बगैर उसके खिलाए कुछ ना खाता। इस तरह दोनों में बड़ी दोस्ती हो गई थी, यानी जो मिट्ठू बंदर था वो भी उससे अपना दोस्त मानता था और वो भी उस लड़के को प्रेम करता था, ठीक। और वो जब तक वो लड़का नहीं आता था तब तक कुछ नहीं खाता था, जब वो लड़का आ जाता था गोपाल नामक तभी उसके हाथ से कुछ ना कुछ खाता था। एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी वहां से दूसरे शहर में जा रही है, यह सुनकर उसे बड़ा रंज हुआ। तो जो सर्कस वाले थे बच्चों वो एक जगह पे नहीं रुकते थे, वो एक जगह पे खेल दिखाते थे, तब वहां लोग कम आने शुरू हो जाते थे, मतलब सारे लोग उस खेल को देख लेते थे, तो फिर वो दोबारा नहीं जाते थे खेल को देखने के लिए, तो वो अपनी जगह बदल देते थे, मतलब लखनऊ में थे वो कहीं दूसरी जगह पे जा रहे थे। तो जब गोपाल नामक बच्चे को यह पता चला कि जो सर्कस कंपनी है वो दूसरी जगह जा रही है, तो उसे बहुत ज्यादा रंज हुआ। रंज का मतलब है दुख हुआ कि अब वो जो मिट्ठू नामक बंदर से जो मिल पाता था अब वो नहीं मिल पाएगा। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और बोला, अम्मा मुझे एक अठन्नी दो, मैं जाकर मिट्टी को खरीद लाऊं। अब वो उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था बच्चों, तो वो अपनी माँ के पास गया, वो बोला कि एक अठन्नी दो। तो अठन्नी क्या होती है बच्चों, जो 1 रुपया होता है उसके अगर दो भाग करें हम 50 50 पैसे, तो जो 50 पैसे होगा उसे हम क्या बोलते हैं, अठन्नी बोलते हैं, ठीक। तो ये बहुत पुराने समय की बात है, उस टाइम पे जो अठन्नी है उसकी भी बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी। खैर अब तो अठन्नी चलना ही बंद हो गई, कहीं कहीं देखने को मिलती होंगी हमें,
अब अठन्नी चलती नहीं है, 1 रुपया भी हमें बहुत कम ही देखने को मिलता है, अब 5 रुपये 10 रुपये चलते हैं। तो वो उस बंदर को खरीदने के लिए अपनी माँ से अठन्नी मांगता है गोपाल। वह ना जाने कहाँ चला जाएगा, फिर मैं उसे कैसे देखूंगा, वह भी मुझे ना देखेगा तो रोएगा। तो अपनी माँ को पूरी घटना बताता है कि अब वो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, वो कंपनी वाले उसे कहाँ लेके चले जाएंगे और मैं अब उससे नहीं मिल पाऊंगा और वो भी मुझसे नहीं मिल पाएगा, तो उससे बहुत ज्यादा दुख होगा, तो वो फिर रोएगा। आगे देखते हैं बच्चों इस कहानी में फिर क्या होता है। माँ ने समझाया, बेटा बंदर किसी को प्यार नहीं करता, वह तो बड़ा शैतान होता है, यहाँ आकर सबको काटेगा, मुफ्त में उल्हाने सुनने पड़ेंगे। तो माँ समझाती है कि जो बंदर होते हैं वो बहुत ज्यादा नटखट होते हैं, बहुत ज्यादा शैतान होते हैं, तो वो सबके साथ शैतानी करेंगे, कभी किसी को काटेंगे, कभी किसी चीज छीन लाएंगे, तो है ना फिर क्या होगा कि सबके उल्हाने, सब फिर उस बंदर के बारे में बोलेंगे कुछ ना कुछ। जैसे पड़ोसी का कोई सामान उठा लाए तो वो पड़ोसी डांटेगा ढपकारेगा, तो सबके उल्हाने उन्हें सुनना पड़ेंगे। लेकिन लड़के पर माँ माँ के समझाने का कोई असर ना हुआ, वह रोने लगा। आखिर माँ ने मजबूर होकर उसे एक अठन्नी दे दी। तो छोटे बच्चे होते हैं बच्चों, एक बार जिद पकड़ जाते हैं तो फिर वो किसी की नहीं सुनते, ठीक है, वो जिद करता रहा, फिर माँ ही मान गई और उसे अठन्नी दे दी कि जाओ तुम बंदर को ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा सो देखा जाएगा। अठन्नी पाकर गोपाल मारे खुशी के फूल उठा, उसने अठन्नी को मिट्टी में मलकर खूब चमकाया, फिर मिट्टू को खरीदने चला। तो जो अठन्नी होगी बच्चों बहुत ज्यादा गंदी होगी, तो उसे मिट्टी से घिस घिस कर पहले साफ किया, फिर वो उस अठन्नी को लेकर मिट्टू को खरीदने के लिए वहां सर्कस कंपनी के वहां चल दिया। लेकिन मिट्टू वहां दिखाई ना दिया, गोपाल का दिल भर आया, मिट्टू कहीं भाग तो नहीं गया। जब वो सर्कस कंपनी में वहां पहुंचा तो वहां उसे मिट्टू नहीं दिखाई दिया, तो उससे ऐसा लगा कि ना कहीं मिट्टू भाग तो नहीं गया, ऐसा तो नहीं है कि मिट्टू यहां से भाग गया वो पहले ही। मालिक को अठन्नी दिखाकर गोपाल बोला, क्यों साहब मिट्टू को मेरे हाथ बेचेंगे? तो जो सर्कस कंपनी का मालिक था उसे अठन्नी दिखाई गोपाल ने, वो बोला कि आप मिट्टू को बेच देंगे क्या? मालिक रोज उसे मिट्टू से खेलते और खिलाते देखता था, हंसकर बोला, अब की बार आऊंगा तो मिट्टू को तुम्हें दे दूंगा। तो जैसा कि मालिक है ना उसे रोज देखता था कि वो है ना जो गोपाल नाम का बच्चा था वो मिट्टू के पास रोज आता था, उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए देता था, वो दोनों मिलके खूब मस्ती करते थे, खेलते थे। तो मालिक ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, अब की से फिर दोबारा मैं यहाँ आऊंगा तब तुम्हें मैं मिट्टू को दे दूंगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चों, ये गोपाल नाम का बच्चा बच्चा है, ये एक चीते का पिंजरा है, ये मिट्टू बंदर है, यहाँ क्या हुआ यहाँ देख लेते हैं। ठीक, ये आगे की कहानी का चित्र दे दिया इन्होंने। हाँ, गोपाल निराश होकर चला आया और मिट्टू को इधर उधर ढूंढने लगा। तो मिट्टू मिल नहीं रहा था तो वो इधर उधर उसे देखने लगा, वे उसे ढूंढने में इतना मग्न था कि उसे किसी बात की खबर ना थी, ठीक है, मतलब इतना उसके ख्यालों में खो गया था कि उसे आसपास का पता ही नहीं चल पा रहा था कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। उसे बिल्कुल ना मालूम हुआ कि वह चीते के कटघरे के पास आ गया था। तो जो चीते का पिंजरा है बच्चों उसे क्या कहते हैं, कटघरे बोलते हैं। तो वो घूमते घूमते एकदम चीते के पास आ गया था, कि चीते के कटघरे के पास आ गया था, यानी चीते के पिंजरे के पास आ गया था। चीता भीतर चुपचाप लेटा था, गोपाल को कटघरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। तो गोपाल को तो पता ही नहीं था, वो इतना ज्यादा मगन हो गया था उसे मिट्टू को घूमने के लिए ढूंढने के लिए, तो वो यहां से निकल रहा होगा। तो चीते ने चुपचाप से क्या अपना हाथ निकाल के गोपाल को पकड़ना चाहा, क्योंकि चीता तो खतरनाक जानवर है, अगर उसे पकड़ लेता तो उसे घायल कर सकता था गोपाल को। गोपाल तो दूसरी तरफ ताक रहा था, मतलब दूसरी जगह देख रहा था, उसका ध्यान ही नहीं गया कि वो चीते के पिंजरे के पास इतना पहुंच गया है। उसे क्या खबर थी कि चीते का तेज पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया है, वह इतना करीब था कि चीता उसका हाथ पकड़कर खींच लेगी मिट्टू, मतलब वो इतना ज्यादा पास पहुंच गया था कि बिल्कुल उसके हाथ के पास पहुंच गया था। जैसे ही वो उसको हाथ पकड़ा के पकड़ रहा था तभी क्या हुआ, मिट्टू ना मालूम कहाँ से आकर उसके पंजे पर कूद पड़ा। तो जैसे ही वो चीता उससे पकड़ने वाला था वैसे ही मिट्टू उसके पंजे पर कूद पड़ा, यानी चीते के पंजे पर कूद पड़ा और पंजे को दांतों से काटने लगा। चीते ने दूसरा पंजा निकाला और उसे ऐसा घायल कर दिया कि वह वहीं पर गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। तो एक पंजे पे तो काट रहा था कौन, मिट्टू काट रहा था, इतने में क्या हुआ, चीते ने दूसरा पंजा निकाला और उस पर मारा, किस पे, मिट्टू पर। तो वो घायल हो गया और मिट्टू जोर जोर से चिल्लाने लगा। मिट्टू की यह हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा, दोनों का रोना सुनकर लोग दौड़े, उन्हें देखा कि मिट्टू बेहोश पड़ा है और गोपाल रो रहा है। तब वो दोनों वो उसने गोपाल ने देखा कि मिट्टू घायल हो गया है और चीख रहा है, तो गोपाल भी रोने लगा। और दोनों की यह हालत देखकर, दोनों की चीख पुकार देखकर लोग दौड़े दौड़े आए, वहां जाके देखा कि मिट्टू जो है वो जमीन पर बेहोश पड़ा है और गोपाल उसके पास बैठा बैठा रो रहा है।
हाँ, मिट्ठू का घाव तुरंत धोया गया और मरहम लगवाया गया। थोड़ी देर में उसे होश आ गया। वह गोपाल की ओर प्यार से देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब क्यों रोते हो, मैं तो अच्छा हो गया। ठीक है, फिर उसकी मलहम पट्टी करी गई और वो मिट्ठू सही हो गया, उसे होश आ गया। फिर वो गोपाल की तरफ इस तरीके से देख रहा था कि जैसे कह रहा हो कि अब क्यों रो रहे हो, अब तो मैं अच्छा हो गया हूँ। लेकिन क्या है कि बंदरों के पास कोई भाषा तो होती नहीं है, तो वो उसके देखने के नजरिए से ऐसा लग रहा था कि वो अपनी भाषा में ये बोल रहा हो। कई दिन मिट्ठू की मरहम पट्टी होती रही और आखिर वह बिल्कुल अच्छा हो गया। गोपाल अब रोज आता और उसे रोटियां खिलाता था। आखिर कंपनी के चलने का दिन आया। गोपाल बहुत रंजीदा था। फिर एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन वो कंपनी वहां से लखनऊ से दूसरी जगह जा रही थी। उस दिन गोपाल बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि उसका जो दोस्त था मिट्टू, वो वहां से जाने वाला था। वह मिट्टू के कटघरे के पास खड़ा आंसू भरी आंखों से देख रहा था कि मालिक ने आकर कहा, अगर तुम मिट्टू को पास जाओ तो क्या करोगे। तो मालिक को भी कहीं ना कहीं दया आ गई। अब वो मालिक भी सोच रहा था क्यों ना इसे मिट्टू दे देते हैं। लेकिन वो मालिक ने पूछ लिया कि अगर तुम्हें मिट्टू को मिल जाए, मिट्टू तुम्हें दे दूं मैं, तो तुम क्या करोगे। फिर गोपाल ने कहा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ साथ खेलूंगा, उसे अपनी थाली में खिलाऊंगा और क्या। तो गोपाल ने कहा कि मैं अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ खेलूंगा, अपने साथ खिलाऊंगा, ठीक है और क्या है। मालिक ने कहा, अच्छी बात है, मैं तुमसे अठन्नी लिए बिना ही इसे तुम्हें देता हूँ। तो मालिक को फिर उस पर बहुत ज्यादा ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा इसकी मित्रता है, क्यों ना मिट्टू इसी दे दिया जाए। तो मालिक ने उसे बिना अठन्नी के ही मिट्टू को उसे दे दिया। गोपाल को जैसे कोई खजाना मिल गया। उसने मिट्टू को गोद में उठा लिया, पर मिट्टू नीचे कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते घर पहुंच गए। तो यहाँ पे देखा बच्चों, एक जानवर और एक इंसान की कितनी गहरी दोस्ती है। ठीक है, जानवर बहुत ज्यादा वफादार होते हैं, वो अपनी जान तक की परवाह नहीं करते अगर किसी इंसान से उनकी दोस्ती हो जाए। ठीक है, इंसान एक बारी का मतलब ही हो सकता है, लेकिन जानवर कभी मतलब ही और स्वार्थी नहीं होता। तो बच्चों, बहुत ही अच्छी कहानी थी। इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।